हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फेसबुक अकाउंट को डिलीट कैसे करना है। जैसे कि आप जानते हो, हमें कई कारण की वजह से फेसबुक अकाउंट डिलीट करना पड़ता है। या तो हमारे पास कई फेसबुक अकाउंट होने की वजह से हम पुराने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करते हैं, या किसी सिक्योरिटी पर्पज से, या हम उसे चलाना नहीं चाहते, या हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। कोई भी रीजन हो सकता है फेसबुक डिलीट करने का। तो फेसबुक अकाउंट जो आपने बनाया था उसको डिलीट करना कैसे है, ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने जो अकाउंट है उसका यूजर नेम और पासवर्ड, उससे आपने लॉगिन कर लेना है। अगर आप उसका पासवर्ड भूल चुके हो तो पहले आपने फॉरगेट पासवर्ड करके जो आपने मोबाइल नंबर लगाया था उस पर OTP आएगा, उससे लॉगिन कर लेना है। वो उसको अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको उसकी वीडियो का लिंक भी शेयर किया जाएगा। उससे पहले जो आज के इस वीडियो के अंदर हमने फेसबुक डिलीट कैसे करना है या डीएक्टिवेट कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉगिन करने के बाद में जो अकाउंट राइट साइड में आ रहा है सेटिंग एंड प्राइवेसी, ये चाहे आप मोबाइल में खोलो चाहे अपने लैपटॉप में खोलो, दोनों में इसका सेम आता है। आपने अपने प्रोफाइल वाला जो अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद अपने सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद में सबसे ऊपर टॉप पे आता है सेटिंग का बॉक्स ऑप्शन, सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करते हो के सामने इस तरह से अकाउंट सेंटर खुलता है जो टॉप पे। अकाउंट सेंटर के अंदर आपने क्या जाना है, पर्सनल डिटेल के ऊपर। पर्सनल डिटेल के ऊपर जाने के बाद में आपने अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करना है, और अकाउंट्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो आपका ये अकाउंट खुल जाता है। जो आपने अकाउंट डिलीट करना है ये आपके आगे शो हो जाएगा। अगर आपका एक अकाउंट है तो एक शो होगा, अगर दो तीन अकाउंट जहाँ पे चल रहे हैं तो आपके दोनों तीन अकाउंट जहाँ पे शो हो जाएंगे जिसमें आपने लॉगिन किया होगा। अभी आपने जहाँ पे पर्सनल पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाना है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाने के बाद में नीचे आपने आपने जहाँ पे पर्सनल डिटेल के ऊपर जाना है, जहाँ पे ऊपर आपका मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ ये शो होगा, और इसके नीचे देखोगे आप अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इस पे आपने क्लिक करना है। जी हाँ, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसको जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने जो नया विंडो खुलता है इसके अंदर क्या है, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, यहाँ पे आपको नीचे सेकंड ऑप्शन मिलेगा डीएक्टिवेशन और डिलीशन। डीएक्टिवेशन यानी कि कुछ समय के लिए आपने डीएक्टिवेट करना है अपने अकाउंट को, और या फिर आपने परमानेंट डिलीट करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपका अकाउंट आगे शो होता है, आपने अकाउंट के आगे कंटिन्यू करना है जहाँ पे आपके पास में डीएक्टिवेट अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हो, डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट इज टेम्परेरी, यानी कि कुछ समय के लिए आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। इसके आगे देखो नोटिस क्या लिखा हुआ उन्होंने, योर अकाउंट एंड मेन प्रोफाइल विल बी डीएक्टिवेटेड एंड योर नेम एंड फोटोज विल बी रिमूव्ड फ्रॉम मोस्ट थिंग्स दैट यू हैव शेयर्ड, यू विल बी एबल टू कंटिन्यू यूजिंग मैसेंजर। जो आपने फोटो वगैरह शेयर कर रखी है वो डिलीट हो जाएंगी, लेकिन जो आपकी इन्फॉर्मेशन है फेसबुक अकाउंट से रिलेटेड, जो आपका फ्रेंड लिस्ट है, वो सारी वैसे की वैसी रहेगी, और आप इसे मैसेंजर के थ्रू भी दोबारा चला सकते हो। नहीं तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके डीएक्टिवेशन जो आपने किया हुआ है इसको दोबारा एक्टिवेट कर सकते हो। सेकेंड जो ऑप्शन है इसके अंदर डिलीशन का, डिलीट अकाउंट, इसके अंदर क्या लिखा गया है, व्हेन यू डिलीट योर फेसबुक अकाउंट यू वुड नॉट बी एबल टू रिट्रीव द कंटेंट और इंफॉर्मेशन दैट यू हैव शेयर्ड ऑन फेसबुक, योर मेन प्रोफाइल, योर मैसेंजर एंड ऑल ऑफ योर मैसेज विल आल्सो बी डिलीटेड। अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट एक बार कर देते हो तो दोबारा आप उसे रिट्राइव नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा आप उस अकाउंट को नहीं चला सकते। और जितने भी आपने इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर चाहे मैसेंजर है आपकी चैटिंग है जो, या फोटो वगैरह शेयर की है, वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। तो हमने अकाउंट अभी डिलीट करना है तो हमने डिलीट के ऊपर क्लिक कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आगे क्या आता है, बिफोर यू डिलीट वी मे बी एबल टू हेल्प, वो आपसे जानना चाहता है कि जो आप अकाउंट अपना डिलीट कर रहे हो इसका रीजन क्या है, वो आपसे जानकारी इसके बारे में आपने सेलेक्ट करना है। आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, कि मैं क्यों डिलीट कर रहा हूँ, जो उनको फीडबैक के लिए चाहिए होता है। आपने इसमें जो भी आपका रीजन है, आपका जो सेकंड आई है वे प्राइवेसी कंसर्न, यानी कि मेरे ये प्राइवेसी
मेरा अपना पर्सनल मामला है, मैं कोई शेयर नहीं करना चाहता। आई डोंट फील सेफ ऑन फेसबुक। अगर आप कोई ऐसा ऑप्शन करोगे तो आपके पास क्या क्या मैसेज आते रहेंगे कि फेसबुक पूछेगा आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो कि आप यहाँ पे सेफ नहीं। जब मैं अकाउंट वाइज हैक्ड, अगर हैक्ड आप करते हो तब भी आपसे पूछा जाएगा वो कि क्यों आपका अकाउंट कब हैक हुआ, कैसे हुआ, हम आपके हेल्प करते हैं, आप फेसबुक अकाउंट डिलीट मत करो। तो इसलिए आपने जिस सेकंड ऑप्शन ये सेलेक्ट करना, आई हैव ए प्राइवेसी कंसर्न, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अभी जहाँ पे आपको जो इसके मैसेज दिया जा रहा है कि वी आर सॉरी टू सी यू बिफोर यू डिलीट योर अकाउंट, दे मे बी समथिंग दैट वी ए कैन डू हेल्प। लॉक आपकी प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और वो वैल्यू योर फीडबैक। हमने अकाउंट अपना डिलीट करना है तो इसके लिए इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते हैं आपने जहाँ पे, फिर आपसे बिफोर यू डिलीट, आप अगर मैसेज अपने को रखना चाहते हो तो डीएक्टिवेट कर दो। अगर डाउनलोड करना चाहते हो फेसबुक की इन्फॉर्मेशन तो डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आपने क्या ट्रांसफर करना चाहते हो तो ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं तो आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही जहाँ से आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देना है, और पासवर्ड फिल करने के बाद में आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हो, आपका जो अकाउंट कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन डिलीट अकाउंट कर देना है। अकाउंट डिलीट करने के बाद में आपने 30 दिन तक इसमें लॉग इन नहीं करना। अगर आप 30 दिन से पहले आप दोबारा लॉग इन कर लेते हो तो आपका अकाउंट यहाँ पे लॉग इन नहीं होगा, ये लॉग इन हो जाएगा दोबारा, आपका अकाउंट वो डिलीट नहीं होगा, यानी कि दोबारा फिर आपको 30 डे टाइम वेट करना पड़ेगा। इसलिए जब आपने एक बार डिलीट कर दिया अकाउंट तो उसके बाद में आपने लॉग इन नहीं करना उसको 30 दिन तक, और 30 दिन के बाद में वो अकाउंट अपने आप पूरी इन्फॉर्मेशन अकाउंट आपका फेसबुक से डिलीट हो जाएगा, उनके सर्वर में उसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर फिर भी आप अकाउंट अपना डिलीट नहीं कर पाते या इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका सोल्यूशन 100% दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।